हाय फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम सिमुलेशन देखे थे कैपेसिटी प्लानिंग एटॉल के थ्रू कैसे करते हैं, तो आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जियो स्कोर में जाते हैं, ट्रैफिक मैप में जाते हैं, न्यू मैप में जाते हैं। इसमें हम यूजर प्रोफाइल ट्रैफिक मैप जो था इसके थ्रू हम सिमुलेशन कर चुके हैं। इस बार हम करने जा रहे हैं सेक्टर ट्रैफिक मैप के थ्रू। सेक्टर मैप ट्रैफिक मैप हम कैलकुलेट कर लेंगे। पैरामीटर एक्सप्लोर में हम ऑलरेडी सारा चीज़ ट्यून कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, वो सारा चीज़ हमें ट्यून करना ही पड़ेगा। तो पिछला लेक्चर में भी जानना जरूरी है कि कैसे हम पैरामीटर एक्सप्लोर को ट्यून करें। अब सेक्टर ट्रैफिक मैप में जाने के बाद हम, अगर मेरे पास है सेक्टर ट्रैफिक मैप तो इम्पोर्ट करेंगे, नहीं तो फिर क्रिएट ऑप्शन पर जाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं, जैसे हम क्रिएट ऑप्शन पर जा रहे हैं तो ये कह रहा है कि पहले आपको कवरेज बाई ट्रांसमीटर प्रिडिक्शन कैलकुलेट करना होगा। तो हम जाते हैं नेटवर्क स्कोर पे, प्रिडिक्शन पे, न्यू प्रिडिक्शन, कवरेज बाय ट्रांसमीटर को कैलकुलेट करेंगे। जब हम कवरेज बाय ट्रांसमीटर को कैलकुलेट कर ले रहे हैं तब ये जो है ट्रैफिक मैप जाएंगे, न्यू मैप और सेक्टर ट्रैफिक मैप को क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास दो तरह के ऑप्शन आते हैं। यहाँ ट्रांसमीटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा और दूसरा देगा कि यहाँ बोल रहा है, देखिए थ्रूपुट, हाई स्पीड इंटरनेट अपलिंक के लिए कितना थ्रूपुट रिक्वायर्ड है और डाउनलिंक के लिए कितना रिक्वायर्ड है। इस तरह जितनी तरह की सर्विसेज हैं, जो चारों तरह की सर्विसेज हैं, एडिशनल सर्विसेज हैं, तो हम पैरामीटर एक्सप्लोर में जाकर उसको ऐड कर सकते हैं। तो वो सारी सर्विसेज का थ्रूपुट इसमें डालेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग फिर हम कैलकुलेट सिमुलेशन करेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या दिखाएगा, इसमें न्यू मैप पे जाते हैं, सेक्टर ट्रैफिक मैप, नंबर ऑफ यूजर्स सेलेक्ट कर लिए, टोटल नंबर ऑफ यूजर्स, और क्रिएट करेंगे ऑप्शन। यहाँ पे ट्रांसमीटर हम सेलेक्ट कर लिए, जितने भी ट्रांसमीटर हम मान लेते हैं तीन ही ट्रांसमीटर का किए हैं, A1, A2, A3। यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स डाल दिए, 6 है, 8 है, 8 है, जो भी है आपके 8 है, हम मान लेते हैं सेम है, सेम नहीं होंगे, आपके पास जो भी डाटा होगा आप उसके हिसाब से कर लेंगे। ये हम फॉर एग्जांपल के लिए कंट्रोल डी कर दिए, या फिर हमारे पास अगर डेटा है तो हम इस पर कॉपी पेस्ट कर देंगे और ओके कर दिए। यहाँ पे कह रहा है कि वेटेज जो है चेंज कर सकते हैं वेटेज, और परसेंटेज ऑफ इंडोर, मतलब अर्बन हाई डेंसिटी में इंडोर मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं उसका परसेंटेज, फिर मेरा सब अर्बन हाई डेंस में है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, मान लेते हैं 20% कर दिए। ये आपके पास अगर डाटा है तो कर भी सकते हैं, नहीं है तो फिर इसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम इसको अप्लाई कर देंगे, ये मेरा सेव हो गया। सेव होने के बाद फिर हम वापस जाएंगे सिमुलेशन पे, नेटवर्क एक्सप्लोरर में विंडो में सिमुलेशन पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे, सेम चीज़ें बैकहॉल कैपेसिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, यूएल नॉइज राइज कंट्रोल बेस्ट अफोर्ड ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो जैसा आपको रिक्वायरमेंट है। ट्रैफिक में जाएंगे, अभी यहाँ देख रहे हैं यूजर प्रोफाइल एनवायरनमेंट ट्रैफिक मैप 1, ये पिछले लेक्चर में हम इसको क्लिक किए थे, अभी ये अनक्लिक है, तो अनक्लिक रहने देते हैं। सेक्टर ट्रैफिक मैप 1 जो हम क्रिएट किए वो मेरा अभी सेलेक्ट है, वो सिलेक्ट रहना भी चाहिए। फिर एडवांस में गए, एडवांस में हम मैक्सिमम डीएल ट्रैफिक लोड कितना होगा 90 कर देते हैं, जितना आपका होना चाहिए 80 कर देते हैं, अप्लाई कर दिए। उसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर दिए, ये मेरा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। अब रिजल्ट हम इसमें देख सकते हैं, सिमुलेशन में देख रहे हैं रिजल्ट। ये रिजल्ट क्या दिखा रहा है कि वो तीनों ट्रांसमीटर में मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर कितने हैं, 107। ये 107 कितना थ्रूपुट डिमांड कर रहे हैं एज पर पैरामीटर एक्सप्लोरर में जो हम ट्यून कर रखे हैं, 189। इसमें से देख रहे हैं कि नो सर्विस में 32 जा रहा है, तो हमें रिक्वायरमेंट और है, मेरे सारे यूजर्स जो है ये कैलकुलेट नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह इसमें हम मेरा यूजर्स के बारे में भी सारा इन्फॉर्मेशन इसमें भी दिखाएगा, क्या क्या जो है सर्विसेज जो है कौन कौन से यूजर को मिल रही है, कौन कौन से बिलर एस्टेब्लिश हो रहे हैं, कितना उनको पाथ लॉस हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दिख जाएगी। और स्टैटिक से हम क्लियर लगा सकते हैं कि हमको नंबर ऑफ मैक्सिमम ट्रांसमीटर और कितने चाहिए, या फिर हमको वहाँ बैंडविड्थ बढ़ानी है। तो इसके थ्रू जो है कैपेसिटी, ये सिमुलेशन के थ्रू जो है हम कैपेसिटी प्लानिंग कर सकते हैं।